नॉन स्टॉप एकदम, और बीच में कार को नाव पे चढ़ाया जाएगा। तो वो आओ आओ गाइज, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, वो तो आपको रास्ते में पता चल जाएगा। कार से जाने वाले लगभग लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर वाले रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, मतलब उसको क्रॉस करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि क्या ही सीन है। और पिछला वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा मरीन ड्राइव वाला, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं, अभी तो सुबह से पैकिंग वगैरह कर रहा था इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाया, तो रास्ते में आपसे। तो हे गाइस, अभी हम लोग अपने घर से निकल गए हैं और इधर देख सकते हो आप एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल अप करवा लेंगे और इसके बाद सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे, समझे। तो हे गाइस, अभी हम लोग उसी पेट्रोल पंप पे, इधर साइड में क्या कहा जाता है इसको, हवा देने वाला सिस्टम है। तो अभी हम लोग अपने स्टेपनी में और चारे टायर में हवा चेक करवा लिए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो हवा का कोई उपाय ही नहीं है ना, अगर चक्का में कुछ हुआ तो स्टेपनी पूरा टू टंच रहना चाहिए इसीलिए। अभी हम लोग मतलब कि पटना पुल पार करने के बाद, इधर पीछे टॉल भी है हमारे, ये टॉल पार करने के बाद अभी ये जो है ये है बख्तियारपुर हाईवे, इसी से जाएंगे। और ये देख लो यही पूरा हाईवे, अभी ऐसे ही कुछ खरीदने के लिए रुके थे, खरीदते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। तो हे गाइस, अभी हम लोग वहाँ से ये देख सकते हो आप कुरकुरे चिप्स वगैरह लेके आ गए हैं, क्योंकि उधर तो क्या मिलेगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, बट इसीलिए अपने ओर से सेफ्टी लेके रहना चाहिए। और अब फिलहाल चलते हैं नॉन स्टॉप एकदम, और बीच में कार को नाव पे चढ़ाया जाएगा, तो वो तो आप देखना ही जरूर। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी यही है वो बख्तियारपुर हाईवे, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। आप मतलब कभी इस पे ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा भयानक है, मतलब एक नंबर। दोनों तरफ इसके क्या कहा जाता है, ये है खेत और बीच में सड़क है। अभी तो और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी फॉग का टाइम है, तो चारों तरफ एकदम फ्लैट फॉग है, ठीक है ना, फ्लैट फॉग और पेड़ और ये रास्ता एक नंबर। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same. तो हे गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, इसको तो डेस्टिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ से आप हमारे पीछे पूरा इलाका देख सकते हो। अभी हमारी कार इस नाव पे चढ़ेगी, ठीक है ना, ये जो पुल है इसको बनाया जाता है जाने के लिए लोगों से, लेकिन अभी बना नहीं है, तो इसीलिए कार अभी वहाँ से आएगा और इन सब बोटों पर चढ़ेगा। हाँ, बोट पर चढ़ेगा, उसके बाद जाएंगे, तो बोट पर एक मिनट। हाँ बोलो ना, देख सकते हो यही रहा हमारा कार जो अब ऊपर से पूरा नीचे जा रहा है, डेंजर ऑफ रोडिंग के साथ, इसको ऑफ रोडिंग का बाप कहा जाएगा। ये देख सकते हो, चलो इन्हीं सब नावों पर चढ़ेगा, वो नाव जिस पे चढ़ेगा ये देख सकते हो, अभी तैयारी हो रहा है इस पे, वो लगा के पट्टा वगैरह जिससे चक्का चढ़ेगा इस पे, और इधर रही गाड़ी। रुका हो, यही है, अभी रुका, चल चल चल, कोई दिक्कत ना हो, अभी रुका, गाइस कर लो भैया, पीछे पीछे कर लो, पीछे करो, आगे बढ़ो ना, आगे आगे बढ़ो, सीधा खोलवा दीजिए, अभी वो रुक जाइए, रुक जाइए, ये तो आगे ईंटा लगाना पड़ेगा उसके, तभी ये होगा। हाँ हाँ ठीक है, हट गए हैं इधर हैं, आओ हो गया। गाड़ी ले जाइए, बाप रे कितना आदमी जाएगा नाव पे। तो हे गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यही रही हमारी कार और ये रहा नदी, बट हम अपना लाइट लाना भूल गए, लाइट नहीं लेके आए, क्योंकि मुझे तो लगा था कि दिन में ही हम लोग पास कर जाएंगे इसको, और रात हो गया तो इसीलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट दूसरे फ़ोन के फ्लैश से लेके कर रहे हैं। उधर से आने टाइम अगर रात में नहीं सुबह सुबह आए तब तो दिखाएंगे उसमें कैसे जाया जाता है। इधर देखो, इधर हे गाइस देख सकते हो ये
इधर सही में नदी है, आपको तो नहीं दिख रहा है। आए बोर्डिंग से ये चलती है, देख सकते हो कितना हेवी एस्केलेटर ले रहा है ये। नाव में गाड़ी चल रहा है, गजब अद्भुत अद्भुत। और एस्केलेटर से चलता है ये नाव, एस्केलेटर इनके हाथ में है क्या। और यही है वो इंजन जिससे ये चलता है, इंजन क्या, इसे तो जनरेटर कहा जाता है, जो हम मतलब कि हर घर में बिजली या ये भी जो शादी वगैरह में आप देखते हो वही वाला जनरेटर है। बस इसका डैनमो की जगह वो लगाया हुआ रोटेटर लगाया हुआ है जो ब्लेड को रोटेट करता है। तो हे गाइस अभी हम लोग दूसरे किनारे पे आ गए हैं, ये देख सकते हो आप, रात का सीन है इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा बढ़िया से। देखो उधर भी सामने नाव पे लोडेड है बाइक वगैरह जाने के लिए, और इस भी बोट पे कम से कम 100 लोग तो थे ही, 100 लोग और दो गाड़ी, एक बाइक और एक कार। आखिरकार हम लोग किनारे पे पहुंच गए। तो ये गाइस देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोग किनारे पे आ गए हैं और ये बस थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, इस पे वो लगाया जाएगा पट्टा जो स्टार्टिंग में लगाया गया था, और उसी से इतिहास बन। पहला बार देखे हम ये चीज, देखे थे ऐसे वीडियो वीडियो में हम भी, लेकिन आँख से नहीं देखे थे अपने। आ जाओ आओ आओ हाँ ठीक हो सीधा जा सीधा, ये चक्का काटो मत इधर का, तनी बाया लेकर तनी बाया ले लीजिएगा, तनी बाया लेकर के जा जा। अरे ओ एक नंबर, फाइनली सक्सेसफुली हो गया। हाँ दियो कि ना दियो ना, बाप रे दिल में हो गया भाई, गाड़ी थोड़े बात को मान लियो, थोड़े बात मान लियो ना तो हम गाड़ी ने इतना में उतारे मन डाल वाला वाला उजवल तमी का नाम पर कॉल कॉल। तो हे गाइस सक्सेसफुली हमारी गाड़ी भी पार कर गई उस नदी को, और हम भी लोग, और उसके बाद अभी हम लोग यहीं दियर में जा रहे हैं, और कल भी रहेंगे दियर में, घूमेंगे पूरा डायरेक्टर से, तो उसका भी वीडियो बनेगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, बट अगर ये दिन रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता, रात था इसीलिए थोड़ा मज़ा किरकिरा हो गया क्योंकि दूर तक दिख नहीं पा रहा था, इंसानी आँख तो देख ले रहा था बट फ़ोन का कैमरा से नहीं दिख पा रहा था पूरा अंधेरा में। अभी हम लोग अपने जहाँ पे आना था हम लोग वहाँ पे आ गए हैं, और रास्ते तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था बट बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा। तो कल तो पूरा दियर घूमेंगे, पूरा एकदम 3-4 ब्लॉग बनेगा एक दिन में, एकदम भयानक भयानक मज़ा आ जाएगा आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी फ़िलहाल ऐसे ही बैठे हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।